हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के लेक्चर नंबर थर्ड की हम आज बात करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर में हम बायो सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन की स्टडी कर चुके हैं। आज हम बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो जो सेकंड लॉ होगा वो सर्कुलर लूप के रिगार्डिंग होगा। इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की बात करी थी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का एप्लीकेशन भी, बोर्ड एग्जाम में टीचर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये सोचिए बेटा, ये समझ लीजिएगा कि अगर फाइनल्स एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, तो एक तरीके से हलवा टाइप का क्वेश्चन होगा। मतलब पूरे के पूरे 4 to 5 मार्क्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आएगा। कंप्लीट एक पैकेज आएगा जिसमें से पूरे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। थोड़ा सीरियस रहें, पेन और कॉपी अपने साथ रखें, नोट्स को लिखते जाएं और कंटिन्यू करते हैं हम लेक्चर को। तो जो टॉपिक होगा आज का वो हमारा कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, हमें सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अच्छा, ये जो भी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे हम बायो सावर्ट लॉ के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। तो बायो सावर्ट लॉ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। आपने नहीं पढ़ा है बायो सावर्ट लॉ को तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिएगा, बायो सावर्ट लॉ देखिएगा, उसके इंपॉर्टेंट अजम्पशंस क्राइटेरिया देखिएगा, फिर इस लेक्चर को आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से बेटर समझ पाएगा। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट इन्होंने देखा है, पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू करें और जो बायो सावर्ट लॉ को अच्छे से समझते हैं वो कंटिन्यू लेक्चर को करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल कंसिडर करते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है। ये लीजिए, ये जो सर्कुलर कॉइल मैंने बनाई है ये एक्चुअली आप इसका साइड व्यू देख रहे हैं, इसका फ्रंट व्यू नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप एक्चुअली इसको कैसे देखना है। इसको मैंने ऐसे नहीं दिखाने की कोशिश करी आपको, मैंने इसको यू बनाया है, ये यू दिख रही है आपको। अब इसका जो सेंटर है वो समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ लाइक करेगा, सेंटर की बात करते हैं हम। इसका जो सेंटर होगा, सेंटर की बात करते हैं, सेंटर देखिए, इसका सेंटर हो जाना है और ये इसकी रेडियस, रेडियस को मैं ए कंसीडर कर लेता हूं। यहां से भी ये इसकी रेडियस कंसीडर होगी, इसको भी मैं ए बोलूंगा। आपको बहुत चीज समझ में आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो पहली वाली जो रेडियस है वो मैंने यू दिखाई है, ये रेडियस है, और सेकेंड रेडियस जो है मैंने यू दिखाई है। दोनों रेडियस सेम है, ए रेडियस मैंने इसको कंसिडर कर लिया है। और इस ए रेडियस की जो सर्कुलर लूप है, जो सर्कुलर कॉइल है, ओके, इस सर्कुलर कॉइल की जो सेंटर पॉइंट है, ये इस सेंटर पॉइंट को बोल देते हैं, इस सेंटर पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे वायर का या फिर एक करंट के लूप का। तो जो लेंथ एलिमेंट है वो कुछ यहां है। देखिए ये मैंने एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर लिया, इस लेंथ एलिमेंट को मैंने डीएल बोल देना है। लेंथ एलिमेंट दिखना चाहिए आप लोगों को, ये लीजिए, ये आपके पास एक लेंथ एलिमेंट है डीएल। डीएल लेंथ एलिमेंट मैंने कंसिडर कर लिया। और अब मैं अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ की बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो आपके पास में जो करंट के वायर है या जो करंट के लूप है, इसके एक लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई, समझिएगा, इसके एक लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मैंने आई से रिप्रेजेंट करी है। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है उसको मैं कैपिटल एन कंसीडर कर लेता हूं। ये जो लूप है या जो कॉइल है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन टर्न्स है, और एक टर्न में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है आई। तो अगर बात करूं कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट की वैल्यू जाएगी स्मॉल आई इंटू एन। तो वो टोटल करंट होगा आई जो कि एक टर्न में करंट फ्लो हो रहा है, एन जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। दोनों को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल करंट की वैल्यू पता चलेगी कि करंट के लूप में जो टोटल करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं।
बायोसॉल्वेंट दो कैपिटेशन है, तो अकॉर्डिंग टू बायोसॉल्वेंट वो चलेंगे। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोसॉल्वेंट लो, अकॉर्डिंग टू बायो सॉल्वेंट लो, बायोसॉल्वेंट लो के अकॉर्डिंग अगर देखें हम तो dB is equal to mu not upon by 4 pi, mu not upon by 4 pi I dN sin theta divided by r square। ये बायोसॉल्वेंट लो के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की एरिया होती है ड्यू टू एलिमेंट dN। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां इस सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल पे यूज करूंगा तो देखिए मैं बात करता हूं आई, आई यहां पे आपके पास ये वाला जो आई है वो टोटल करंट है, तो टोटल करंट के अगर मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, उससे पहले देखिएगा डायग्राम देखो यहां पे जो आई है वो आपके पास में करंट की वैल्यू है, करंट इन वन टर्न, एक टर्न में करंट की वैल्यू है, और कैपिटल एच जो है वो नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स। ठीक है देखिए अब कंटिन्यू करते हैं तो इस फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब फॉर्मूले में देखो हमें वैल्यू चाहिए टोटल करंट की और थीटा की, ये दो वैल्यूज हमें चाहिए, वैल्यूज को पुट कर देंगे और फाइनल आंसर। एक चीज और आर पे भी हम बात करेंगे, आर की वैल्यू कहां से रिप्लेस होगी, तो सबसे पहले आई की बात कर लेते हैं, वे ऑफ वेर आर, आई जो होता है वो टोटल करंट होता है, यहां पे जो आई है वो टोटल करंट है और इसकी जो वैल्यू है आई, आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो आई इंटू में एन हो जाएगी, आई इंटू में एन ये टोटल करंट हो गया, क्योंकि आई आपके पास में क्या है करंट इन वन टर्म है और कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ टोटल टर्म्स की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं थीटा की, देखिए मैं थीटा यहां पे कंसीडर होगा 90, थीटा आपने कहां देखा, मोस्टली स्टूडेंट यही प्रॉब्लम में फंसते हैं थीटा। देखिए जब मैं खुद 12th क्लास में होता था तो मैं खुद थीटा को यहां समझता था कि ये वाला थीटा नीचे के 90 डिग्री का चक्कर किया होगा, बट एक्चुअली थीटा ये नहीं होता। अब बायोसॉल्वेंट लॉ को देखो, बायोसॉल्वेंट लॉ ये कहते हैं कि अगर आपके पास में करंट के एक वायर है और उस पे आपने एक लेंथ एलिमेंट dl कंसीडर किया है, तो इस dl से जो r डिस्टेंस है उस जो पॉइंट P है यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो एंगल क्रिएट होगा वो देखो ये वाला एंगल होता है थीटा। तो थीटा समझिएगा, थीटा किसके बीच में एंगल बना, थीटा लेंथ एलिमेंट और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से लेंथ एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है उनके बीच में बना हुआ एंगल है थीटा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, थीटा जो एंगल है किस किस के बीच में बना एंगल हो गया, थीटा लेंथ एलिमेंट और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से लेंथ एलिमेंट की जो डिस्टेंस है r उन दोनों के मिड में बना एंगल होता है वो थीटा होता है। अब ये वाला केस यहां देखो, आपको लेंथ एलिमेंट दिखना चाहिए, ये रहा आपके पास लेंथ एलिमेंट और आपको r दिखना चाहिए, r देखो यहां किससे रिप्लेस हुआ है a से, क्यों r को a से क्यों रिप्लेस किया, कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां कैलकुलेट करना है सेंटर पे, सेंटर का मतलब यहां कैलकुलेट करना है, तो मतलब ये जो r डिस्टेंस है कि यहां रिप्लेस हो जाएगी a से, यहां पे कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा, इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट किया 90 से, इजीली देखो बेटा इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये कितना बनता है 90 डिग्री, दिखा 90 का एंगल, यस गुड, कंटिन्यू आगे चलते हैं, आपको दिखा दूं देखिएगा अभी सारे की सारी वैल्यूज। अच्छा एक चीज और, r को रिप्लेस कर देता हूं मैं, r इज इक्वल टू a, देखो r इससे रिप्लेस हो जाएगा a से रिप्लेस हो जाना है, डन। ठीक है अभी तीनों की तीनों वैल्यूज, i की वैल्यू जो टोटल करंट है n into y, ओके थीटा 90 डिग्री समझ में आया होगा आपको, और r को रिप्लेस कर दूंगा मैं a से। अब ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे dB इज इक्वल टू, dB इज इक्वल टू इज इक्वल टू हो जाना है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई हो जाना है, और आई को मैंने रिप्रेजेंट कर देना है एन पाई से, डीएल एस इट इज साइन 90 हो गया डिवाइड बाय आर स्क्वायर ए स्क्वायर से रिप्लेस हो गया। ठीक है अब देखिए मुझे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा बॉक्स साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बॉक्स
इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये हो जाना है n i d l अपॉन में a स्क्वायर, और साइन n की वैल्यू आ सकता है, साइन n की वैल्यू पर हो जानी है, तो उसको हम यहां से रिमूव कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखिए बेटा जो फाइनल वैल्यू है वो यहां पे आ जानी है, b is equal to म्यू नॉट कांस्टेंट हमें बाहर आ गया, n नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, i वन रोटेशन में जो करंट फ्लो होने वाला है वो भी कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 4 पाई a स्क्वायर भी आपके पास कांस्टेंट टर्म हो गया, इंटीग्रेशन करोगे आप dl का, ओके dl को इंटीग्रेट करोगे तो देखो d है, देखो dl के छोटे-छोटे एलिमेंट्स देखिए ध्यान से समझिएगा डायग्राम में, dl 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 तो छोटे-छोटे जो dl के लेंथ एलिमेंट होंगे इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट मतलब सम, जब इस पूरे का सम कर दूंगा मतलब इसके सर्कमफेरेंस की मतलब सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया 2 पाई a, ओके तो देखिए मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, b is equal to mu not n i अपॉन में 4 पाई a स्क्वायर इनटू में 2 पाई a, देखिए बेटा a वाले टर्म से a कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, और फाइनली जो वैल्यू रह गई है आपके पास की b की, b is equal to mu not n i अपॉन में रह जाना है ट्वाइस ऑफ a, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गया आपके पास में सेंटर पे, सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, ओके डन, ठीक है, तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया आपने सेंटर, तो ये एप्लीकेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड एप्लीकेशन का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास में सर्कुलर लूप था, अब सर्कुलर लूप को में हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया सेंटर पॉइंट पे, मतलब इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, अब जो सेकंड पॉइंट है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बट इस बार सेंटर पे ना करके उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे, तो एक्सियल पॉइंट पे इस बार हम कोई पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, जैसे ये पॉइंट ओ था वैसे से एक्सियल पॉइंट पे पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, वहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसके पास चलने से पहले एक बार 2 मिनट का मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूं, ध्यान से देखिएगा आपने क्या किया, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का चक्कर किया जिसके एक लूप में जो करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू है आई, दैट आई इज द करंट इन द वन टर्न, और सर्कुलर लूप में आपने जो नंबर ऑफ टर्न्स का चक्कर करे वो है एन, तो एन हो गया आपके पास नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट फ्लो जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपने बायो सावर्ट फ्लो के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, यहां पे आप आई की बात कर रहे हैं, आई आपके पास टोटल करंट रहना है, ध्यान से समझिएगा ये वाला है कि ये वाला आई जो है एक लूप में करंट की वैल्यू है, और जो बायो सावर्ट लूप में आई की वैल्यू है ये टोटल करंट की वैल्यू है, तो आई टोटल करंट हो गया, इसको आप आई इनटू 10 से कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू 90 आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए थीटा आप यहां नहीं देखेंगे, थीटा की वैल्यू 90 देखेंगे यहां, dl लेंथ एलिमेंट और जो डिस्टेंस होती है जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको जॉइन करने का जो डिस्टेंस होती है और जो लेंथ एलिमेंट है उनके मिड में बनाया गया होता है थीटा आपके पास में, और r जो है वो रिप्लेस हो गया a से, वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में या इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, तो फाइनली जो वैल्यू आ गई वो सेंटर पे आ गई, b is equal to mu not n i upon में twice of a, ठीक है, चलो रेडी कंप्लीट हो गया वो टॉपिक, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो स्टार्ट करें सेकंड पॉइंट, ओके केस नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल एक्सियल ऑफ द सर्कुलर लूप, एक्सियल पॉइंट पे आपने कोई कंसीडर करना है सर्कुलर लूप के, और वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस बार मैं फिर से देखो सर्कुलर लूप को वैसे ही कंसीडर करूंगा जैसे कि मैंने पहले कंसीडर किया है, आप इसका साइड व्यू देखेंगे, ये इसका हो जा रहा है साइड व्यू, और साइड व्यू से देखो बेटा ये सेंटर पॉइंट हो गया, आपने रेडियस पहले r कंसीडर कर रखी है, तो रेडियस तो अभी भी r होगा, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंटिन्यू देखिएगा, अब देखिए बेटा ये हो गया इसका एक्सियल पॉइंट, इस एक्सियल नॉट एक्सियल पॉइंट इसका एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया, इसके एक्स पे r डिस्टेंस पे पॉइंट p कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट p पे इस बार मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, इससे पिछले वाले जो केस था उस केस पे हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, अब जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट p
पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बायोस ऑफ जाएंगे आप, तो लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे, तो एक लेंथ एलिमेंट देखो मैंने यहां कंसिडर कर लेना है, ये लेंथ एलिमेंट हो गया dl और एक लेंथ एलिमेंट मैंने यहां कंसिडर कर लेना है, ये लेंथ एलिमेंट हो गया मेरा dl। ओके, लेंथ एलिमेंट का जो पॉइंट पी के साथ एंगल इंक्लिनेशन है वो मैं कंसिडर कर लेता हूं, सपोज कर लीजिए वो है थीटा। देखिएगा यहां से ये जो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट कंसिडर किया, सपोज कर लीजिए ये मेरा एंगल हो गया थीटा, और यहां से इस दूसरे लेंथ एलिमेंट से जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया ये भी मेरा क्या हो गया थीटा हो गया, दोनों एंगल सेम हो गए क्योंकि एक सेम पॉइंट पर है dl और dl, तो दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम हो जाता है। देखिए रेडियस इसकी a है, r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिकली कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। देखिएगा अब आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देखिएगा बेटा तो ये जो dl है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये जो सरफेस एरिया पे ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर होगी, ये लीजिए ये जो dp होगा dp ये किसकी वजह से है, ये जो dp है ये इस dl की वजह से है, और इसने यहां कितने डिग्री का एंगल कंसीडर किया 90 डिग्री का, सेम एज इट इज वैल्यू इस dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इधर आएगा, इसकी इसका ये जो एंगल है ये भी आपके पास कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, ध्यान रखिएगा ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये भी आपके पास dp है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता था ना, ये सीधी स्ट्रेट नहीं जाएंगे, ना ही ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसके साथ में, ये dp भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसके साथ में, ऐसा क्यों, ऐसा डायरेक्शन की वजह से ना, हमने लेक्चर फर्स्ट में डायरेक्शन की बात करी ना लेक्चर नंबर सेकंड में डायरेक्शन की बात करी है, जब हम कभी डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैं आपको रिकॉलिंग करवाऊंगा कि देखो हमने वहां 90 डिग्री का एंगल इस डायरेक्शन की वजह से लिया था, तो आप अपने माइंड में भी ध्यान रखेंगे ये वाला एंगल 90 बनेगा, ये वाला एंगल भी 90 बनेगा। अब देखिए मैं इस पॉइंट पी पे इस वाले डीपी और इस वाले डीबी के कंपोनेंट्स करना चाहूंगा, कंपोनेंट करने के लिए मैंने यहां पे इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर देना है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है या सुन पा रहे हैं आप मेरी बात को, तो देखिए मैथमेटिकली अगर ये एंगल थीटा है तो मेरा ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, इस वाले एंगल को भी मैं थीटा कहूंगा, और मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो मैं इस एंगल को भी बोल दूंगा थीटा, ऐसा क्यों हो रहा है समझिएगा, देखो बात को समझने का ट्राई करना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये कहा कि ये वाली रेस से जो डीबी की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, अब आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखो और वर्टिकल एक्सिस देखो, ये भी क्या है परपेंडिकुलर है इसी पॉइंट पे, ठीक है, अगर मैं इसको थीटा एंगल नीचे लिया तो थीटा एंगल दिख रहा है ये वाला थीटा एंगल, अगर इस रे को या इस डायरेक्शन को मैं थीटा एंगल नीचे ले आता हूं, देखो ये थीटा एंगल नीचे लाया तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है डीबी वो भी तो थीटा एंगल ऊपर आ गई, मतलब ये एंगल थीटा बना, यहां पे थीटा चेंजेस हुआ इस वाले एक्सिस में, थीटा चेंजेस हुआ तो इस डीबी में कितना चेंजेस हुआ थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये अपने आप ही मैथमेटिकली एंगल थीटा हो गया, सेम एज इट इज कंडीशन नीचे अप्लाई होगी, बात समझ में आ रहा है नीचे, ओके, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा हो गया इस पॉइंट पी पे। कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, तो कंपोनेंट की बात करेंगे तो देखिए बेटा इस डायरेक्शन में अगर इसके लिए कंपोनेंट होगा तो इधर भी हो जाएगी डीबी साइन थीटा और इधर जो है वो हो जा रहा है डीबी कॉस थीटा, सेम एज इट इज के लिए कंपोनेंट करोगे तो देखो फर्स्ट एरो इस वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड एरो होगा वो इस वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डीबी साइन थीटा और ये वाली वैल्यू हो जाएगी डीबी कॉस थीटा, डन, ओके। देखिएगा बेटा अब इस पूरे डायग्राम में देखो बेटा जो डीबी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है, डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड जो भी है बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड
T2dV इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ओके इक्वल इन मैग्नीट्यूड में हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है ध्यान से देखिएगा, जो dV cos थीटा के कंपोनेंट है उसकी बात कर रहा हूं, dV cos थीटा वाला कंपोनेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड में जो भी दिख रहा होगा, dV cos थीटा ऊपर है, dV cos थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली ऊपर dV cos थीटा। दूसरा पॉइंट देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ये सेकंड केस। थर्ड सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये तीन कंडीशन किसी कंपोनेंट के साथ में मैच कर जाती है तो वो कंपोनेंट मैथमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। देखिएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी कंपोनेंट है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा और सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा तो हम उनको मैथमेटिकली कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो कि यहां पे dV cos थीटा वाले कंपोनेंट के साथ में हो रहा है। dV cos थीटा वाले कंपोनेंट का डायग्राम अच्छे से देखो, ये अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सॉरी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है और सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो देखो यहां ये वाले कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा। अब इसके अपोजिशन अपोजिट वाले कंपोनेंट्स को देखो, dV cos थीटा वाले कंपोनेंट्स को अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पर देखेंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट सेम डायरेक्शन में है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में कह सकते हो आप, सेम डायरेक्शन में है वो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन सेम है तो कैंसिल आउट ना होने के बजाय क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी एक्सियल पॉइंट में तो वो dV sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से ही आएगी। तो देखिए बेटा जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू सॉरी एक्सियल पॉइंट पे, ओके ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो B मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो इंटीग्रेशन ऑफ dV sin थीटा के इक्वल आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बात समझ में आनी चाहिए, dV cos थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों कैंसिल आउट होंगे बात समझिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे के साथ, कैंसिल आउट होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में अपनी प्रेजेंस शो नहीं करेंगे। जो dV sin थीटा वाले कंपोनेंट है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा, तो जो B है वो कंप्लीट डी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dV sin थीटा। अब यहां पे देखो, यहां पे आप दिस पॉइंट को पकड़िएगा, पर आपको कंप्लीट डी कैलकुलेट करना होगा तो दो पॉइंटों पे वर्क करना है, तो कौन से पॉइंट पे वर्क करना है कि कैसे करके आप dV की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और कैसे करके आप sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मतलब मुझे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो dV की वैल्यू जो कि मैं बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ला सकता हूं क्योंकि बायो सावर्ट ने dV की वैल्यू इजीली बताई, दूसरी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है sin थीटा की, वो sin थीटा की वैल्यू मेरे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से मैं sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा, ट्रायंगल को मैं नेम कंसीडर कर देंगे, अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट O है, ये P पॉइंट हो चुका है, इसको A पॉइंट बोल देंगे, ये P पॉइंट है याद रखिएगा, ये जो है वो P पॉइंट है, ओके यहां इस ट्रायंगल को यूज करके मैं sin थीटा कैलकुलेट कर लूंगा और दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके फाइनली मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं एक्सियल पॉइंट पे, सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पे। तो स्टार्ट करते हैं, dV कैलकुलेट करते हैं, तो dV कैलकुलेट करने के लिए बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग चाहिए, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, अगेन बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ, अगर बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे आप तो dV इज इक्वल टू ये देखो बेटा न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे आप तो देखो आप में वापस को पिछले वाला केस याद करो कि जो आई है वो वन टर्म में जो फ्लोने वाला करंट है वो है और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहां पे आई की मैं बात करूं तो आई आपके पास में है करंट, करंट फ्लोइंग फ्लोइंग इन वन रोटेशन में जो करंट फ्लो है उसकी वैल्यू है आई और एन जो है वो आपके पास में टोटल टर्न्स
टर्न्स और रोटेशन, रोटेशन टोटल टर्न्स की कह रहे हो आप इसको या टोटल रोटेशन भी आप इसको कह सकते हैं एन और आई की वैल्यू है ना। आर और थीटा, देखिए भाई ये साइन थीटा आपके पास सेपरेट है और ये साइन थीटा आपके पास सेपरेट है, ये आपके पास टोटल के लिए साइन थीटा आ रहा है। यहां जो साइन थीटा यूज कर रहे हो बाय सॉर्ट ऑफ टोटल को यूज कर रहे हो, माइनस सेपरेट करना है इक्वेशन फर्स्ट वाली। इक्वेशन फर्स्ट कैसे करी, क्योंकि बी भी cos थीटा वाली कंपोनेंट इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन सी राइट ऑफ एक्शन में होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए। डी भी cos थीटा वाले कंपोनेंट ही ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एक्सियल पॉइंट पे सर्कुलर कॉइल। इसके लिए कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो आपने डी भी sin थीटा वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिया, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपके पास में। आपने टारगेट सेट किया कि मुझे डी भी कैलकुलेट करना है sin थीटा कैलकुलेट करना है, तो डी भी के लिए आपने क्या किया बाय सॉर्ट ऑफ के अकॉर्डिंग ले लिया और बाय सॉर्ट ऑफ के अकॉर्डिंग डी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे देखिए आई आपके पास कोई टोटल करंट की वैल्यू हो गई, तो आई को मैं किसे भी प्रेजेंट कर दूंगा एन आई से, समझ रहे हैं आप बात, आई की से रिप्लेस हो जाएगा एन आई से, क्योंकि आई यहां पे क्या है, आई यहां पे है टोटल करंट, टोटल करंट की वैल्यू जो सर्कुलर कॉइल है उस सर्कुलर कॉइल में जो टोटल करंट है वो कितना हो रहा है उसकी वैल्यू है आपके पास में आई। बात करते हैं थीटा की, देखिए यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की बात करूंगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब थीटा यहां 90 डिग्री कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है समझना, समझेंगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आर की बात कर लेते हैं। देखिएगा आर क्या है, आर भी आपको इजीली दिखना चाहिए, आर हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की आर की वैल्यू। देखिए फिर से आप फाइल सॉफ्ट लॉ के डायग्राम में चलो, देखिए कुछ ऐसा डायग्राम था वो ये डी एल आपके पास रहता एलिमेंट था, यहां से आर डिस्टेंस टू पॉइंट पी हुआ करता था, ये आपके पास थीटा है, ये आपके पास आर है, फिर से समझिएगा थीटा ये है आर ये, डीएल से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस आर होती है जो कि आप फॉर्मूले में यूज करते हैं। ये रहा डीएल, ये रहा पॉइंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये रही डिस्टेंस जो कि आर है। देखो आर को मैंने किससे रिप्लेस किया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, डन, मेरे को बड़ी समझ में आना चाहिए था, ठीक है कंप्लीट, आगे चलो, यस शाबाश। अब बात करते हैं थीटा की, देखो थीटा 90 डिग्री है, अब ये थीटा कहां दिखा, थीटा लेंथ एलिमेंट और ये डिस्टेंस इनके बीच का एंगल है थीटा जो कि 90 डिग्री है। देखो यहां पे कहां है, ये रहा ये 90 डिग्री है, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ऐसे देखो ये वाला एंगल यहां से अगर ये रेडियस है आपके पास में, देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ये रेडियस है आपके पास, तो ये थीटा है 90 डिग्री। देखो समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में पड़ रहा होगा कि सर यहां 90 डिग्री का एंगल कैसे बना, ठीक है देखिए हम बात कर रहे थे थीटा एंगल की, जो थीटा एंगल है उसको समझाने का ट्राई करता हूं। देखिए थीटा आपको 90 डिग्री का एंगल लिखना चाहिए, ये एंगल है यहां, देखिए 90 डिग्री का एंगल है थीटा, कैसे समझिएगा, आपके पास देखो ये आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, समझना आना चाहिए करंट कैरिंग लूप, और ये जो है आपके पास एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल पॉइंट के यहां पे एक्सियल ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो आपने आपने एक जो है लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया, दिख रहा होगा आपने छोटा सा मैंने लेंथ एलिमेंट बना दिया है, ये लेंथ एलिमेंट कैसे, ये लेंथ एलिमेंट है यू, ऐसे ऐसे इस लेंथ एलिमेंट की वैल्यू ऐसे, अगर आपको यू ये देखेंगे आप इस तरीके से तो लेंथ एलिमेंट दिखेगा आपको यू इस तरीके से, आपको लेंथ एलिमेंट अगर मैं यू करके दिखाऊंगा तो लेंथ एलिमेंट दिखना चाहिए आपको यू ऐसे, समझ गई बात, ठीक है स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा आप आर की वैल्यू देखिएगा, आर जो है आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहां पे देखिए अब ये आर स्क्वायर कहां आया, देखिए ये लेंथ एलिमेंट हुआ और लेंथ एलिमेंट से ये रहा, देखो आपको एंगल लिखना चाहिए 90 डिग्री एंगल, देखिएगा बाय सॉर्ट ऑफ लूप के अकॉर्डिंग, देखो डी एल और लेंथ के मिड में एंगल है थीटा, तो ये रहा आपका डी एल जो कि ऐसे है, ये डी एल है और ये है आपकी लेंथ, ये लीजिए दिखा एंगल, एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, दिखा 90 डिग्री एंगल। अब देखिएगा अगर मैं इस पॉइंट को यू ले जाके यू टच करूं तो एंगल तो अभी भी 90 डिग्री है, अभी भी इस एंगल में कोई चेंज नहीं पड़ा, तो 90 डिग्री का एंगल तो ये अभी भी है बेटा, समझ रहे हो, यहां देखिएगा 90 डिग्री एंगल यू, ऐसे ये लेंथ पाई यू क्या, ये लेंथ एलिमेंट है दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये एंगल अभी भी थीटा है, ये लीजिए थीटा, और अगर मैं इसको यू थोड़ा सा इंक्लाइन कर दूंगा
तो एंगल तो मेरे पास अभी भी थीटा ही रहना है उसमें, सॉरी थीटा नॉट थीटा, एंगल अभी भी मेरे पास 90 ही रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो थीटा की वैल्यू आपको इजीली अंडरस्टूड होनी चाहिए, जो कि 90 डिग्री हम कंसीडर करेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं डीवी की, तो डीवी कैलकुलेट करने के लिए मैंने बायो सॉवर्ट लॉ को यूज किया, म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा पर आर स्क्वायर। आई की बात करेंगे तो एन आई, आई यहाँ पे टोटल करंट है, तो एन इंटू आई, एन आपके पास में नंबर ऑफ टोटल टर्न्स ऑफ रोटेशन है, आई आपके पास में करंट फ्लोइंग इन पर रोटेशन की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की बात करेंगे तो थीटा आपके पास में है 90 डिग्री, आर देखिएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दे दी है। और जो फाइनल वैल्यू आएगी उस पर स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ से मैं डील करता हूँ, डीबी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, आई की मुझे रिप्लेस कर देना है एन आई को, और साइन थीटा, अच्छा सॉरी ये डी एल कंडीशन एज इट इज, और ये साइन 90 हो जाना है डिवाइड बाय आर, आर रिप्लेस हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले केस से, और इसका ये हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी है, देन डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एन आई हो गया, ये हो गया डी एल आपके पास में, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कुछ नहीं, पावर 1, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो पावर 1 हो गया। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको इक्वेशन नंबर ए बना देते हैं, इक्वेशन ए, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। बात करते हैं साइन थीटा की, अब साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए आप डायग्राम को अच्छे से देखिए, और डायग्राम एक ट्राइंगल देखिएगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए पी, दिखा O पॉइंट देखिए, A पॉइंट देखिए, T पॉइंट देखिए, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा दिख रहा होगा, उसके फ्रंट में जो साइड है वो है आपके पास परपेंडिकुलर, जो R हो गया वो हो गया बेस, और हाइपोटेनियस हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गया। इस वाले ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल में इजीली आपको ए दिख रहा है, हाइपोटेनियस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर बी हो जानी है। इक्वेशन ए और बी को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन ए में, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यूज करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा बी इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में बी, बी के इक्वल में मैं वैल्यू पुट करूंगा, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन का साइन डीबी की वैल्यू आपके पास में ये है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एन आई डी एल अपॉन में हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपके पास में डीबी की हो गई। इनटू में साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा इनटू में ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो कौन से टर्म्स हैं तो बाहर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू आपके पास हो जाना चाहिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई n कांस्टेंट, i कांस्टेंट, ये a भी आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ओके a कांस्टेंट, और डिवाइड बाय देखिएगा आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2। अब ये पावर 3/2 समझ में आनी चाहिए, यहां पे पावर के ऊपर सिंगल है, यहां पावर हाफ है, रूट का मीनिंग पावर हाफ, तो दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगा 3/2, ये सब कुछ कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा ओनली डीएल का, जो कि अभी पिछले पॉइंट में भी हमने किया, तो डीएल का इंटीग्रेशन जब हमने किया तो हमने इसको रिप्लेस किया डीएल को, डीएल को रिप्लेस किया 2πa से, सेम एज इट इज यहां पे डीएल 2πa से रिप्लेस हो जाएगा, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 4 पाई और ब्रैकेट हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हो जाना है 3/2 इनटू में 2πa, देखो 2π से ये कैंसिल आउट हो जाना है 2 टाइम्स, फाइनली जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि b इज इक्वल टू आ जाना है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 हो जाना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जानी है b की इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड को आप यूज करेंगे, और अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू हमने इससे पिछले वाले पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करी वो जो थी आपके पास म्यू नॉट एन आई अपॉन में
ए। अब एक काम करते हैं, वही करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या किया, अक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। ये बात समझ में आनी चाहिए। देखो सुनना, बहुत अच्छे से समझना, इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको आर दिख रहा होगा, इस आर की वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट कर दू, आर की वैल्यू को जीरो पुट कर दू। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम है बेटा इसमें, देखो आपको एक छोटी सी माइनर मिस्टेक दिखेगी, दिखनी भी चाहिए, शाबाश जिनको दिखी बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं दिखी वो नोटिस करें। देखो इस ए को मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो ये ए यहाँ पे रिटर्न होगा, और जब ये ए इस वाले ए से मल्टीप्लाई होगा देन इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कम और आना है ए स्क्वायर, समझ में आई। हाँ तो हम कहाँ थे, वापस चलते हैं इक्वेशन का सेकंड को नोटिस करो बेटा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम काम करते हैं, इस आर की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। अगर इक्वेशन सेकंड में इस आर की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया गया तो सोचो ये पॉइंट पी कहां गया होगा। बिल्कुल सही, जिन्होंने ये सोचा कि ये पॉइंट पी सेंटर पे पहुंच गया, इसका मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आर की वैल्यू को आपने जीरो कर दिया, मतलब पॉइंट पी सेंटर पे आ गया, मतलब पॉइंट ओ और पॉइंट पी क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। अब एक चीज और समझ में आनी चाहिए, अगर मैंने इसको जीरो पुट कर दिया इक्वेशन सेकंड में, तो ये वाली वैल्यू और जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आया है वो वाली वैल्यू दोनों सेम हो जानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो गया इसका मतलब सर ये प्रूफ तो नहीं बना रहे, मतलब हमने प्रूफ तो बिल्कुल परफेक्ट किया है। ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आर की वैल्यू को जीरो पुट कर दू, आर की वैल्यू को जीरो पुट पर कर दू, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर, अगर आपको दिखेगा तो पुट कर देता हूं, यस कर सकता हूं, ऊपर आर की वैल्यू को मैं जीरो पुट कर देता हूं। देखिएगा बेटा इफ R is equal to zero, अगर R की वैल्यू को आपने इक्वेशन सेकंड में जीरो पुट किया तो देखिए B आपके पास में कहां आ गया, सेंटर पॉइंट पे आएगा, और देखिएगा म्यू नोट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, N as it is, I as it is, A square as it is, divide by ये वाला टर्म हो गया जीरो, तो ब्रैकेट में देखिए 2 into देखिए बेटा A square power 3 by 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां रह जाएगा ए क्यूब। अब ए स्क्वायर और ए क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन मिड ट्वाइस ऑफ ए, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी एब्सोल्यूटली राइट है, हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकंड परफेक्ट राइट है। ओके डन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए हमने क्या कुछ करने का ट्राई किया। ओके बेटा तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया पहले पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई हमारे पास में म्यू नॉट एन आई अपॉन मिड 2a, सेकंड हमने एक्सियल पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई a स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर ऑफ होल पावर ऑफ 3 बाय 2। ठीक है फिर से रिपीट करता हूं, डायग्राम को देखिएगा आप, आपने डायग्राम का कौन सा व्यू देखा, आपने डायग्राम का साइड व्यू देखा, आप इस डायग्राम के साइड व्यू में जो है आपने सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर किया पी पॉइंट, यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, इसके लिए आपने दो लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर किए और दोनों के जो एंगल ऑफ इंसिडेंट थे वो थीटा थे, ये वाले एंगल थीटा है तो ये एंगल समझ में आना चाहिए, दोनों एंगल भी थीटा होंगे। जब आपने डीबी जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड था ड्यू टू लेंथ एलिमेंट्स उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था उनके आपने कंपोनेंट करे तो आपने इजीली डायरेक्शन में देखा कंपोनेंट्स को देखा, जो डीबी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स है वो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड साइन लाइन ऑफ एक्शन में होने की रीजन की वजह से कैंसिल आउट हो गए, और जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा। यहां से हमने डीबी को अकॉर्डिंग टू बायोसॉफ्ट लॉ कैलकुलेट किया, यहां पे समझ में आना चाहिए आई इज इक्वल टू एन आई, बीबी शायद इजीली अंडरस्टूड है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा थीटा 90, इसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करें, फिर से सुने, फिर से समझें कि थीटा को 90 डिग्री कैसे कंसिडर किया गया। तो रिपीट कर रहा हूं, देखो बेटा आई इज इक्वल टू एन आई, थीटा की वैल्यू 90 हो गई और आर की वैल्यू देखेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तीनों वैल्यूज को जब मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर ए मैंने रेडी कर दी, जो कि मेरे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ, देन मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी साइन थीटा की, इसके लिए मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, मैंने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दोनों इक्वेशन इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को मैंने
पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और फाइनल जो वैल्यू थी बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 आ गया। जब मैंने वहां पे छोटा सा केस स्टडी करा इफ आर इज इक्वल टू 0 तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पास सेंटर का ही आया, मतलब मेरा फॉर्मूले को मैंने चेक कर लिया मेरा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट्स समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर वाकई में वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जो है हम मे बी डायरेक्शंस की बात करेंगे या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एम्पियर लॉ में स्टार्ट करने जाऊंगा। मे बी एम्पियर लॉ मेरा टारगेट रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको एम्पियर ने बताई और एम्पियर के साथ में बायो सावर्ट ने बताई, तो बायो सावर्ट जो है आपको बता चुके हैं। ओके थैंक यू, तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे जल्दी ही। वेलकम एंड बाय बाय।